नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुचुरी प्रथमे हेडलाइंस गुरुडीछाटिया समवाय महास्काम रे गिरफदारी ऋण जालियाती अभियोग रे छह जन को बांधिला पुलिस एवं बड़ प्रश्न केबे गिरफ हेबे बड़ नेता और मंत्री अर्गस रे खबर प्रसारण पर न्याय पाई आंदोलन को ओल्लाइले अन्नदाता शव ने मिललानी गाड़ी विलंबित राति जाए असहाय बापा मां गजामासी कर आसला अभावन चित्र मना कला महाप्रायण गाड़ी मागिले 10,000 टंका राज्य में पुणि 68 जीवन नेला कोरोना कटक 17 और जगत सिंहपुर 15 जन मृत्यु सेपटे 24 घंटे 761 पॉजिटिव 18 वर्ष कम 101 नुआ केस तालिबान मिशन पंचाशीर घाटी दाखल अभिमुखे 100 रु अधिक तालिबानी सेपटे 300 तालिबानी को हत्या कर पंचाशीर दाबी लड़े पर प्रस्तुत अच्छा 10,000 सेना आज सर्वसाधारण खोल श्रीमंदिर द्वार कोविड कटक और गाइडलाइन अनुसार श्रद्धालु दर्शन करपटे लिंगराज मंदिर को छाड़ राजधानी में खोल सबु धर्मानुष्ठान आज संपन्न होब उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शेषकृत्य बुलंदशहर नारोरा गंगा कूल श्मशान घाट को पार्थिव शरीर शोभायात्रा में सामिल होते केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ बीजेपी नेता विजु छात्र जनता दल राज्य साधारण संपादक संजीव पृष्टि विरोध में सांघातिक अभियोग ढेंकानाल भुवन में युवक को ब्लेड मारी कले रक्तात बेक 8 सेमिटर गभीर क्षत पुलिस लगानी हत्या उद्यम दफा एवं दिनक टोकियो पारालंपिक्स उद्घाटन उत्सव में भारत सामिल होते 5 खेला 6 अधिकारी चलित बर्ष 54 जनीया टीम पठाई भारत ओडिया सटलर प्रमोद भगत कठो पदक आशा आसिया संपूर्ण खबर को गुरुडी चाटिया समवाय महास्काम रे गिरफदारी ऋण जालियाती घटन रे संपृक्त थिबा 6 जन को गिरफ कला गुरुडी चाटिया पुलिस गिरफ को मध्य रे सोसाइटी रा सेक्रेटरी कैशियर क्लर्क सुपरवाइजर असिस्टेंट सेक्रेटरी वो पियन मध्य रहिछन्ते दीर्घ दिन धरी एमान कार्यानुष्ठान दाबी आंदोलन को ओल्लाइले अन्नदाता शह शह चाषी ना कोटी रु अधिक टंकार ऋण केलेंकारी होता गुरुडीझाटिया समवाय महास्काम गिरफदारी ऋण जालियाती घटन संपृक्त थिबा 6 जन को गिरफ कला गुरुडीझाटिया पुलिस गिरफ के मध्य सोसाइटी सेक्रेटरी कैशियर क्लर्क सुपरभाइजर असिस्टेंट सेक्रेटरी और पियन रही दीर्घ दिन धरी एमानों पर कार्यानुष्ठान दाबी में आंदोलन को ओल्लाइले अन्नदाता शह शह चाषी ना कोटी रु अधिक टंकार ऋण केलेंकारी होता पूर्व गुरुडीझाटिया समवाय समिति समेत आखपाख समिति में बड़ केलेंकारी अभियोग आसा बाबू अधिकारी मिसी खाई चाषी टंका ए बाबद्रे अधिक सूचना पर आम सहित सुशांत साह आम रिपोर्टर जोड़ी सुशांत बर्तमान कौन अपडेट आस हाँ देखो माधुरी आम जी कह पूर्वर देखी जैकि अर्गस गणमाध्यम प्रथम खबर को लोकलोचन को आनी आठगढ़ समवाय समिति अंडर जाऊ गुरुडीझाटिया सोसाइटी गुरुडीझाटिया सोसाइटी रे चाषी मान लक्षाधिक टंकार जालियाती ऋण कराफर चाषी मैंने बारंबार राजरास्ता को ओल्लते एआरसी अफिस् जाते आठगढ़ अफिस् घेरव करते रास्त रोक करते पूर्व 4-5 दिन तेज़ चाषी मैंने सांबादिक सम्मेलन जरिया सूचना देते 24 तारीख में रास्ता रोक करेंगे और आंदोलन पंथा ग्रहण करेंगे सूचना देते आज देखा मिली गत काली विलंबित राति में गुरुडीझाटिया पुलिस पक्ष 6 जन अभियुक्त को गिरफ्त करा चौदर एसडीपीओ
सत्यव्रत लेंका सूचना देखते आम जब ये गोटे कथा कहीपर गुरुड़ी झाटिया सोसाइटर जी रही सेक्रेटरी रही आसीस्टाट सेक्रेटरी रही पिओन रही अंपटे देखा जो आठगढ़ एसीसी सुपरवाइजर और कैशियर एमती कि छः जन को गिरफ्त कर जदि आम ये गोटे कथा कह चाषी मैंने तो जो मानक ना अभोग आणुते से तो गिरफ्त कर किंतु चाषी मैंने जहाँ प्रतिक्रिया रखुंट क्योंठी ना क्योंठी बड़ मत धरा जाए ना बड़ माल पड़ी ना जहाँफल खसी जा आगामी दिन में चाषी मैंने आहरी तीव्रतर आंदोलन करेंगे बोली जहाँ कि चाषी आमको सूचना देखते किसी दिन पर अर्थात चौबीस तारीख में जो राजरास्ता ओह्लै था चाषी ये गोटे भय मात्र छः जन को गिरफ्त कर हाँ देखो माधुरी आम जब ये गोटे कथा कह रही पियन प्रबोध रंजन परिडा एवं आसीस्टाट सेक्रेटरी संग्राम साहू एवं क्लर्क चित्रानंद जेना एवं विजय दास निरंजन परिडा बाबाजी चरण प्रधान एमती छह जन जो गुरुजाटिया सोसाइटी जालियाती जो मैंने संपृक्त थे जहाँकि आम गोटे कथा प्रकार विभाग कर्तृपक्ष पक्षर एक इनक्वारी कराइला इनक्वारी करा सरिला परे छह जन अभियुक्त को गतकाली रात पुलिस उठाई आनी गिरफ्त कर छह जन ए महास्काम रे गिरफ्तारी होती किंतु सबुठ बड़ कथा जो मैंने चाषी मैंने अभियोग करते हैं नेता मंत्री संप्रक्ति रही है गले कड़े कहीं पुलिस धरूना हाँ देखो माधुरी आम जब ये गोटे कथा कह चाषी मैंने पूर्व सामान अभोग आनी आज कि चाषी आमको टेलीफोन जगे सूचना देखते का गत काली जो रही रास्तारोक रास्तारोक को एड़ाइवाप पुलिस छः जन को गिरफ्त कर आगामी दिन में चाषी मैंने आंदोलन को तीव्र करेंगे कारण ये जो छः जन रही छः जन जन पियन और आसीस्टाट सेक्रेटरी एम केमी कोटी कोटी टाँचा हड़प करेंगे बर्तमान एक प्रश्न उठू कहीं ऊपर जे रही बस बड़ म क्योंटी ना क्योंटी खसी जाऊँगी जहाँफल चाषी मैंने चिंता प्रकट करने सह तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कर टा खाई अभियोग आवर्त समय बद को आवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई बद घेर को आसते कौन से प्रतिक्रिया मिल पार मंत्री पक्ष देखो माधुरी आम जब ये गोटे कथा कह रही विभाग मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई से आज पर्यंत गणमाध्यम को मुह खोली नाहंती जितेबाला गणमाम बूम देख देखा जामें प्रश्न पचारूँ से बूम ठेली चली जाऊँच आमर प्रतिनिधि आठगढ़ निर्वाचन मंडल बाहर प्रतिक्रिया नाक चेष्टा करते से बूम ठेली गाड़ी डोर दे चली जाते हैं आठगढ़ में मु बारंबार तांकर प्रकार प्रतिक्रिया आने को चेष्टा कर बूम ठेली चली जाते आगामी दिन में देखा पड़ो मंत्री जो विभाग मंत्री रही रणेन्द्र प्रताप स्वाई से कौन गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देखते चाषी मैंने जो दाबी रखुं कि या दिन रणेन्द्र प्रताप स्वाई संप्रति रही आगामी दिन में चित्र स्पष्ट हे जहाँ जना पड़े ऋण जोगाइबान चाषी कोटि कोटि टंका हड़प करा जो मैंने अन्नदाता रही ना लक्ष लक्ष टा उठाला बद घेर को आसी मंत्री समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई बद घेर को आसी ये सब चाषी परवर्त समय कौन दाबी र देख माधुरी आम जब ये गोटे कथा कह सारा राज्य बर्तमान देखुची जो आठगढ़ जो चर्चित गुरुड़ झाटिया समवाय दुर्नीति होता चाषी मानक हजार नुह कि दुई हजार नुह लक्षाधिक टंकार हड़प होता जहाँफल चाषी मैंने एमती कि विधानसभा सामना को जाते मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई सरकारी क्वार्टर आगे आंदोलन करते कि गोटे कथा कह सीना छः जन गिरफ्त हो गले जो चाषी मानक मुंड गड़ू लक्षाधिक टंकार ऋण बोझ एम सुझे केमी पैसा आणवे कौटी जदि गोटेपटे देखा जो इनक्वारी कराला छः जन को गिरफ्त कर अंपटे जदि देखा चाषी मानक सामान अवस्था दुख दुर्दशार दिन काटुचान जो चाषी मैंने ऋण नहीं ना कि खातार लक्षाधिक टकर ऋण बोझ चली बर्तमान सुझे केमती जो समवाय विभाग रही विभाग अधिकारी कि प्रकार पदक्षेप ने आगामी दिन में देखा बाकी रहा जदि अंपटे कह समवाय मंत्री रही रणेन्द्र प्रताप स्वाई सी आज दिन गणमाम सामने मुह खोली ना जहाँफल सब उपर बद घेर को आसते समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई कितु गोटे बड़ प्रश्न आसूचे जो छः जन को गिरफ्त कर आसीस्टाट रही पिओन रही ये जो मैंने तलिया कर्मचारी रही गिरफ्त कर बाहबा निजी कितु ये बड़ प्रश्न आसूचे केवे गिरफ्त हे नेता मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत साहू आम आठगढ़ रिपोर्टर आम सहित जोड़े रही है
आसिया परवर्ती खबर को महाप्राणय योजना फेल नवजात शिशुर मृतदेह नेपाई मिललानी गाड़ी विलंबित राति जाए असहाय अवस्था बापा मा एभली अभावन दृश्य देखा मिली आशिका सब डिविजन मेडिकल परिसर में बड़गड़ थाना अंतर्गत कुसुम गाड़िया गाँव मुरली नायक और कल्पना नायकों शिशु को आशिका मेडिकल डाक्टर मृत घोषणा करते मात्र मृत शिशु को नेबाकु मिललानी महाप्राणय गाड़ी एपरिक गाड़ी पर 10,000 टंका दाबी करते घर गाड़ी मात्र बापा मा निजर असहायता प्रकाश करते मृत शिशु को धरी से चली चली जाता बेले स्थानीय युवकों सहायत निकटस्थ नदी बाली में पोत घटना को नहीं साधारण उत्तेजना देखा दे दि घंटा मुझे देखुची से छुआटा मरिकी सेमती बसती से सेमती माँ से माँ कांदुची से मैंने से दुख कोहरा कहानी से जानी तापर भी से शब बुआ गाड़ी बुझा से बुझला से 6,000 कौन से एत गरीब लोक से कौटू आण कि दब से जिनसटा गवर्नमेंट गवर्नमेंट किसी भी व्यवस्था किसी करते आजकल एत पॉलिटिकल पॉलिटिकल चलती सब पॉलिटिकल लोक अच्छा एत मानने गवर्नमेंट लोक भी अच्छा तथापि मानने मेडिकल किसी मेडिकल आसुवा पेसेंट भी क्या भी किसी सहज कि नहीं मोर गोटे झीटे तपर तक अक्सीजेन प्रोब्लम थी तो कहले जो ब्रह्मपुर पठाइले ब्रह्मपुर धरी आसलु अध बाट मैं सन्ध्या तो आस्का धरिक आसल ब्रह्मपुर को गाड़ी में गले आंबुलांस आंबुलांस आस्कार आस चेक कल चेक कला बेलू से मैंने मन करदे ना धरी पड़ असुविधा तो देखे आप सब तो जीप सुविधा किसी ना मुझे भाई कौन कर किसी बुद्धि दिशुन तो एमती बाहर बसुच भाव कौन कर किसी भी उपाय मिलूनी प्राइवेट गाड़ी कौन किसी पचारे पचारे 5,000-10,000 एमती 5,000-10,000 कहते हैं कौन कर सर आम पाटा गोटे डेड हो गला आम आसल गोटे गाड़ी गुड़ा सी आंबुलांस अधा छाड़दे पलैला आम पैसा देवु कहला मानले ना अधा पैसा देवु मानले ना पलैला आ गए आंबुलांस कहले 10,000 आम पैसा आनु कम पैसा आनचु से खाँटे खाइबा खर्च धरिक आसचु आम ब्रह्मपुर लोक अच्छे कहला आम आस पैसा ना आम जुबू सरकार को चिंता बढ़ाई नियंटिया वर्षा राज्य में मरुड़े मुकाबला नहीं आज दिन 11:30 अर्थात आउ कि समय पर जो कथा कहला मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र समीक्षा करेंगे और वर्तमान समय समीक्षा कर मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे बैठक में जोड़ी होती समस्त जिलार जिलापाल 27 जिले में मरुड़ी परिस्थितर मुकाबला नहीं प्रस्तुत हो स्वतंत्र रणनीति जिले में केते वर्षा हो खरीफ चाष स्थित किपर अच्छी ए संपर्क में जिलापाल पचारि बुझे मुख्य शासन सचिव एथस आग को कौन पदक्षेप निपर आलोचना करदेश जारी कर बैठक में उन्नयन कमिशनर एसआरसी जलसंपद शक्ति अर्थ पंचायतराज विभाग प्रमुख सचिव उपस्थित रहिबे सेपरि कृषि मत्स्य एवं पशु संपद विकास विभाग शासन सचिव ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय कुलपति भारतीय पाणिपाक विभाग आंचलिक निर्देशक प्रमुख मध्य उपस्थित रहिबे सरकार को चिंता बढ़ाई नियंटिया वर्षा राज्य में मरुड़ी मुकाबला नहीं समीक्षा बैठक आज मुख्य शासन सचिव पक्षर करीडियो कन्फरेन्सींग जोगे बैठक में समस्त जिलार जिलापाल जोड़े रही बाबद अधिक सूचनापाई आम सहित दिव्यज्योति महांत रिपोर्टर जोड़े रही दिव्य विशेषकर जो बैठक बर्तमान समय आरंभ हो जाए बैठक प्रमुख मुद्दा कौन रैठक में क्यों प्रसंग आलोचना कर देखु माधुरी निश्चित भाव में राज्य में नियंटिया वर्षा अर्थात अभाव वर्षा गोटे प्रकार राज्य सरकार को मुंडे चढ़ाव पकाई एवं जो मरुड़ी स्थिति बर्तमान उत्पन्न होगा जाऊँगी किभली मुकबिला किभली चाषी एवं चाष प्रभावित न हो से दिगरे कौन कौन पदक्षेप नवर आवश्यक रही जहाँ दृष्टि रखी मुख्य शासन सचिव बैठक डकते बैठक किस समय पूर्व आरंभ हो बैठक में आप देखिए समस्त वरिष्ठ अधिकारी मैंने उपस्थित अच्छा यह सहित समस्त जिलार जिलापाल मध्य उपस्थित रही जिलापाल वर्तमान मुख्य शासन सचिव प्रश्न जहां सूचना रही जे राज्य रे समस्त जिला गुड़िके क्यों जिले में केते परिमाण वर्षा होती सहित जिलार वर्तमान स्थिति कौन रही
ଚାଷ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦିଗରେ ରଖି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆଜି ହୁଏତ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟିମ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଚାଷ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦାଖଲ କରିବାର ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୈଠକ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି, କାରଣ 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 22 ଅଧିକ ବ୍ଲକରେ କହିପାରିବା ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବର୍ଷା କେଉଁ ନା କେଉଁଠି କିଭଳି ଚାଷ କାମ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ଏବଂ ଜଳସେଚନ କଥା ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ଦୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ ବା ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ଦଳ 2004 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ 35% ଜଳସେଚନ କଥା କହିଥିଲା ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜମିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳସେଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି କିଭଳି ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ ଏ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜଳସେଚନର ସଠିକ୍ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ବା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, 35% ଜଳସେଚନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କ'ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାହେଉଛି ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବୈଠକ ପରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ସରକାର କ'ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। ମାଧୁରୀ, ବିଲକୁଲ, ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏସବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ବୁଲନ୍ଦସହର ଜିଲ୍ଲାର ନରୁରା ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଲିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯିବ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ତରଇଲକୁ ବାଟ ଦେଇ ବୁଲନ୍ଦସହର ଜିଲ୍ଲାର ନରୁରା ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ମୃତଦେହ ନିଆଯିବ। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 3 ସମୟରେ ନରୁରା ଗଙ୍ଗାକୂଳ ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଉମା ଭାରତୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ 99 ବୟସରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ଏସ୍ସିପିଜେଆଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ 23 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେବାୟତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପରେ ଆଜିଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କରୋନା କଟକଣାମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତେବେ ଗତ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେବାୟତ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଭୋଗ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
आजिठ राजधानी में खोलला समस्त धर्मानुष्ठान लिंगराज मंदिर को छाड़ अन्य समस्त मंदिर और धर्मानुष्ठान खोल अनुमति बीएमसी कोरोना कटकणा मध्य प्रवेश दर्शन करने को विज्ञप्ति प्रकाश पाई कौन मंदिर गर्भगृह को प्रवेश भक्त को सुजोग मिलना एक निर्धारित स्थान में छिड़ा हो दर्शन करें भक्त से मंदिर भितर को भोग ने बारण कर आगको जारी रहिबो खबर अभियान समय एक छोट ब्रेक ब्रेक परे स्वागत राज्य में कमी कोरोना आक्रांतों संख्या हेले मृत्यु लगुनी ब्रेक गत 24 घंटा रे 761 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होता बेले 68 जन आक्रांत प्राण हर मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 7426 को वृद्धि पाई मृतकों मध्य कटकु 17 और जगत सिंहपुर जिलूर 15 जन आक्रांत अच्छा राज्य में एवं भी 8917 आक्टिव केस रही सेपटे कोरोना को हर सुस्थ हेले 985302 आक्रांत नीति आयोग कोरोना तृतीय लहर नहीं सतर्क कराइले डीएमईटी सीबीके महांति तृतीय लहर आसिले पाई विपद से सतर्क कराई सेप्टेम्बर किंवा अक्टोबर में तृतीय लहर आसवर संभावना रही समय देश में दैनिक संक्रमण 4 लाख छुई पारे एभली स्थित ओडिशा रे दैनिक संक्रमण 14000 पार कर आशंका रही तेणु पूर्व आमको सतर्क रहिबाकु पड़िबो परामर्श देछंती डीएमईटी तृतीय लहर पर अधिक प्रस्तुत थिबा सह छुआ मानक समस्त व्यवस्था करा जाइथिबा से कहिछंती समस्त आकलन अनुचाई सेप्टेम्बर में तृतीय लहर आसीबो सेप्टेम्बर में जदि तृतीय लहर आरंभ हेले एहा अक्टोबर में पिक नब पिक पीरियड रे शिशु मानक हॉस्पिटलाइजेशन 123 रे रहिबो बोली आकलन करा जायछि एने सूचना देछंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र वर्तमान राज्य में हॉस्पिटलाइजेशन अधिका नाही 12-13% रहिछि शिशु संक्रमण हार द्वितीय लहर 64 दिन में पिक नहीं जदि तृतीय लहर आसुची तहार पिक पीरियड आमको अपेक्षा करने को पड़ मात्र आम एवं द्वितीय लहर रही शिशु आम सब व्यवस्था करू कोविड हॉस्पिटल शिशु मानी स्वतंत्र प्रावधान कर शिशु भवन में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंसी कर शिशु सीवियरिटी बेसी ना मात्र आम या कोहल भाव ने तेणु स्क्रीनिंग को आम चालू रखू आमे शिशु मानंकर दैनिक संक्रमण हार को आनालीसीस करूछु गत 3 दिन भितर केही वेंटिलेटर को चाहि नहाते बहु कम शिशु को ऑक्सीजन दरकार होछि चिकित्सालय रे कार्यरत सिक्युरिटी गार्ड मानंको दुर्व्यवहार अतिष्ठ रोगी एवं रोगी संपर्क बौद्ध जिला मुख्य चिकित्सालयर आसी एभली अभियोग मेडिकल सुरक्षा थिबा सिक्युरिटी कर्मी लोकों दुर्व्यवहार करुछंते सेपटे मेडिकल कर्तृपक्ष सबु जाणी चुप रहिथिबा अभियोग आणिछंते रोगी संपर्क जहाँ दिनकु दिन असंतोष बढ़िबार लगे तेज यह घटना को बौद्ध जिलापाल गंभीरतार सह नहीं तुरंत घटनार तदंत करने कार्यरत सिक्युरिटी गार्ड मानक तालीम देवाई निर्देश दिज्वे मो बहु को लगे ब्लड कि देखा गला मत सिक्युरीटी मैंने गेट पास मागिले मुझे गेट पास ना करना कहले तेणुक मुझे गेट पास कौट आने सर कौट देवी एमती कहार से मत पशे मुझे देखी पार्ली ना मैंने बहु को जोर मुंडिया मारे आज्ञा मुझे छाड़ी दिए कह मत से छाड़ीदे ना देखी पार्ली ना तर्क भाषार कहले मैं रागी कहले सर पीटा मैं कहना रागी कहले हाँ देखे कहते सर मुझे देखी जापारे पु आसला देखे देखीगला मुझे जापारे ना जहाँ तो जिला मानने मेडिकल जहाँ अवस्था हो बाहर मेडिकल बदनाम हो आम मेडिकल किसी कम आसलू बेड भी एडमिट थी एक्चुअली कल कितु ये जगह सिक्युरीटी बेसी ही टाइट करके रखुच
ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବାଦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନକୁ ସେମାନେ ଏଲୋ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବାକି ରହୁଛି ଗେଟ୍ ପାସ୍ କଥା, କୌଣସି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହୁଏତ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ନେଇକି ବି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା କରିବା। ବଟ୍ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ବି ତାଙ୍କର କିଏ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିଅର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଏଠି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଇଏ କଥା। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯେଭଳିକି ମାନେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବାର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କଥା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାରି ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ହେଉ ୟା ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଦଶପଲ୍ଲାର ଏପଟୁ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭାବି ସେ ଏତେ ଭୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପ୍ରସବ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି, ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ବି ପ୍ରସବ କରି ପକାଇଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନବିକତା ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା କରାଯିବ, ସେମାନେ କେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୁର୍ ଧୁର୍ ମାର ମାର କରୁଛନ୍, ଆମର ବୌଦ୍ଧିଆ ଭାଷାରେ ଏଠି ଯାହା କରୁଛନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଏତେ ଲୋକ ରଖା ହେଇଛି ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କ ଲାଇନ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥାଉଛି ଛୁଆମାନେ, ଏବଂ ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡମାନେ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବେ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବୁ, ନମ୍ର ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିବା କଥା। ତାଲିବାନର ମିଶନ ପଞ୍ଚାଶରେ ଏବେ ଘାଟି ଦଖଲ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାଶୀର ଅଭିମୁଖେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ତାଲିବାନୀ ସେନା, ସେପଟେ 300 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କଲା ପଞ୍ଚାଶୀର। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଅହମ୍ମଦ ମସୁଦ, ଏପରିକି ତାଲିବାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ମିଳିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମସୁଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଲିବାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ତାଲିବାନୀ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଲିବାନ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ସେନା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 34 ରାଜ୍ୟରୁ 33 କବ୍ଜା କରିନେଇ ସାରିଛି ତାଲିବାନ। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ତାଲିବାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ସମୟ ସାରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ, ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।